और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में रविवार को नागरिकता संशोधित कानून के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच टकराव हुआ। राजगढ़ की कलेक्टर निधि देविता ने धारा 144 लागू होने के कारण बीजेपी कार्यकर्ता को प्रदर्शन करने से रोका, लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान कलेक्टर की कार्यकर्ता से तीखी बहस हुई और उन्होंने एक थप्पड़ नेता को जड़ दिया। इस बीच विवाद बढ़ गया और पुलिस के साथ साथ कलेक्टर भी बीजेपी कार्यकर्ता को नियंत्रण करने के लिए काफी संघर्ष करते हुए नजर आए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे दो कार्यकर्ता घायल हो गए।